हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। इलेक्ट्रिक चार्जेस इन फील्ड्स का एक क्वेश्चन। अब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल 100 मिलीग्राम है, ये 100 पार्टिकल का मास है, ये मास ऑफ पॉजिटिव सॉल्यूशन, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल, मास ऑफ चार्ज पार्टिकल स्मॉल एम इज इक्वल टू 100 मिलीग्राम है ये। अब 1 मिली में 10 की पावर -3 ग्राम हो गया, पहले मिलीग्राम में 10^-3 ग्राम और ग्राम में किलोग्राम बदले तो 10^-3 किलोग्राम। तो एम इज इक्वल टू लिख सकते हैं 100 × 10^-6 kg, और लिखना चाहो तो आप 1 × 10^-4 kg लिख सकते हो। ठीक है, 2 पावर + के हो गई, +2 10^2 और 10^2 है तो ये -4 हो गया, मास इतना आ गया। फिर क्या करा आगे? अब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल 100 मिलीग्राम इज थ्रोन इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ इतने। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता हूँ। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, इसकी जो स्ट्रेंथ है मतलब वैल्यू है 1 × 10^5 N/कूलाम है। ठीक है, इफ द चार्ज ऑन द पार्टिकल इज, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जो थ्रो किया गया, और कैसे किया गया, अपोजिट डायरेक्शन में थ्रो किया गया है, एंड इनिशियल स्पीड कितनी है 200 m/s। तो देखो, एक ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ये रहा, और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 40 µC, और इसको इनिशियली इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, थ्रोन किया गया कितनी वेलोसिटी से, यू से, और यू दे रखी है हमें कितनी 200 m/s से, ठीक है 200 m/s। ये माइक्रो कूलाम में दे रखा है, इसलिए 40 × 10^-6 कूलाम कर लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। थ्रो किया, आप क्या कह रहे हैं आगे, हाउ मच डिस्टेंस इट विल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, थोड़े समय के लिए, मोमेंटरी, है ना। तो थोड़े समय के लिए जब ये रेस्ट में आएगा तो उससे पहले ये कितनी डिस्टेंस चल चुका होगा, ये पूछ रहा है। अब रेस्ट में आएगा क्यों, सबसे पहली बात तो देखो, जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करता है, तो उस पर एक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और वो इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है बेटा, एफ, और नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे अगर ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म एक्सटर्नल, इसमें एक अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रखे हैं तो इसमें फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा ऑलवेज, और ये क्यू ही। लेकिन अगर ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता और इस पर एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता तो इस पर जो फोर्स लगता वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता, एफ बराबर क्यू ई। केवल हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, केवल मैग्नीट्यूड, माइनस साइन इसमें मैग्नीट्यूड लिखा है ओनली, वेक्टर फॉर्म में लिखते तो साइन विद साइन लिखते हैं, है ना, माइनस साइन यहाँ पर नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे तो ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अपोजिट लगेगा। अब सोचो इस पर नेट फोर्स इधर लग रहा है, इसी को नेट फोर्स मान लें, ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसे इग्नोर कर दें क्योंकि उसका मास बहुत छोटा है। ठीक है, तो इसीलिए केवल इस पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, यही नेट फोर्स है। अगर ये नेट फोर्स है आपका कौन सा, एफ ई, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और ये क्यू ई, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो गया क्यू ई ओवर एम, है ना। अभी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा क्योंकि यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और मास भी कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। और जब इस पर फोर्स डल लग रहा है तो जिधर फोर्स लगता है क्या उधर ही एक्सेलरेशन की दर्शन होती है, तो इधर ही ए की दर्शन होगी। ठीक है, अब ये मूव इधर कर रहा है तो देखो, जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की दर्शन अपोजिट हो तो स्पीड घटती है, क्योंकि तो फोर्स उधर लग रहा है तो स्पीड घटेगी, तो स्पीड घटती जाएगी और घटती जाएगी, और एक पॉइंट पर स्पीड इसकी 0 हो जाएगी। लेकिन ये इस जगह पर रुकेगा नहीं, क्यों, क्योंकि अभी फोर्स 0 नहीं हुआ है, क्योंकि तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो फोर्स तो लगेगा लगेगा, वो तो कॉन्स्टेंट फोर्स लग रहा है, और जब फोर्स 0 नहीं होता है तो इस जगह से ये पार्टिकल फिर रिटर्न कर देगा बेटा ऐसे,
थोड़ी देर के लिए रेस्ट में आया इस जगह पर, तो रेस्ट में जब थोड़ी देर के लिए आया तो कितनी डिस्टेंस चल चुका था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे ऐसा। अब इस डिस्टेंस को निकालना है तो एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, और जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, इफ एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट हो तो हम मोशन की तीन इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन तभी कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो इस वाली कंडीशन में मैं लिखूं तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के 2as, ये लगा लेता हूँ। लेकिन अब इसमें एक काम करते हैं, इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ और इस डायरेक्शन को मैं नेगेटिव। आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसको पॉजिटिव मान लो, इसको नेगेटिव मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। मैंने इसको पॉजिटिव माना है तो देखो वी की वैल्यू तो जीरो हो गई, फाइनल वेलोसिटी जीरो है। यू की वैल्यू मैंने पॉजिटिव मानी, देखो इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव माना है तो यू पॉजिटिव हो गया, यू का स्क्वायर प्लस 2। ए इस डायरेक्शन को मैंने नेगेटिव माना है और ए इधर की तरफ है, इसीलिए ए नेगेटिव होगा, माइनस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ हुआ है, पार्टिकल डिस्प्लेस इधर हुआ है बेटा, और डिस्प्लेस इधर हुआ है तो इसको मैंने पॉजिटिव माना है, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट एक्स पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव दिया। अब देखो ये माइनस का है इसलिए यहाँ माइनस आ जाएगा, तो इसको जल्दी आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 2ax इक्वल टू यू स्क्वायर। अब ए की वैल्यू तो हमें पता ही है, 2x निकालना है वैसे तो हमें, तो यहाँ से चलो एक्स निकाल लेते हैं पहले, यू स्क्वेयर अपॉन 2a, और यू स्क्वेयर अपॉन 2a की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो क्यू ई ओवर एम, तो एम कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, तो एक्स इज इक्वल टू आ गया एम यू स्क्वेयर ओवर 2qe। बस यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए सबकी और सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो एक बार करके दिखा देता हूँ पूरा, है ना, वैल्यू पुट कर देते हैं। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही फॉर्मेट में आता है, यही आंसर होता है उसका, है ना। चलिए एक्स इज इक्वल टू एम की वैल्यू दे रखी है कितनी भाई, एम की वैल्यू रखी है 1 × 10⁻⁴, ठीक है, kg किलोग्राम में, ऐसा सिस्टम में, और यू दे रखा है आपका 200 m/s। अब स्क्वायर है इसीलिए दो बार लिख लें, डिवाइड बाई 2 × चार्ज, चार्ज रखा है 40 × 10⁻⁶, है ना, और इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आपको, कहाँ है ये रहा, 1 × 10⁵, 1 × 10⁵, ठीक है। अब सॉल्व कर लो तो देखो, अगर इसे मैं, चलो 10⁻⁴ से ये कटा 10⁻⁪, ठीक है, और 2 से ये कट गया आपका 100 बार, 0 से ये 0 कटा, और 4 से ये कट गया 5 बार। तो देखो मैं लिख लेता हूँ, ये 500 हो गया ऊपर, और नीचे हो गया आपका ये प्लस के 3, तो 500/1000, इसे कट गया 2 बार, तो एक्स इज इक्वल टू आ गया 0.5 m। इतना डिस्टेंस चलने के बाद थोड़ा पार्टिकल रुकेगा और फिर वापस चलेगा, मतलब इतनी डिस्टेंस के बाद पार्टिकल थोड़ी देर के लिए रुकेगा, इतनी डिस्टेंस चलने के बाद थोड़ी देर के लिए रुकेगा पार्टिकल, तो 0.5 m। डी इज अ करेक्ट चॉइस। पढ़ते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।